प्यार से कहना। आप भी कोई दो लाइन भजन की सुनाएं। क्या नाम है आपका? सिमरन। सिमरन जी दो लाइन है कोई भजन की। आपका क्या नाम है? रीटा। रीटा पूरा नाम? रीटा पोपली। दो लाइन है कोई। तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली है, तेरी बंदगी को पाके हमें जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली है। ए दो जहाँ के वाली, ओ शाहों के शहंशाह, ए दो जहाँ के वाली, ओ शाहों के शहंशाह, तेरे आगे सर झुका के हमें जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके हमें जिंदगी मिली। दानंकार्ज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चावला जी, आज आप ये सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छे भजन और गीत। यूट्यूब के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब के दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह प्रीत प्यार न मरता हमारे वो गहने हैं जिससे हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं, समाज के प्रति भाईचारा भी बना सकते हैं। हम सबको ये चाहिए कि आपस में प्रीत प्यार न मरता बनी रहे। आज देखते हैं देश के अंदर, समाज के अंदर किस तरह नफरत फैल रही है। इस नफ़रत को दूर भगाने का एक ही उपाय है कि हम सब आपस में प्यार करें। जितना ज़्यादा हम प्यार करेंगे एक दूसरे से, उतना हमारा आपस में मिलवर्तन, आपस में भाईचारा बढ़ सकेगा। यही निरंकारी मिशन का भी संदेश है और यही आज मैं यूट्यूब के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर हमारी ज़िंदगी में प्रीत प्यार नम्रता होगी तो हम देश का, समाज का भला कर सकेंगे, इस देश को और ऊपर उठा सकेंगे। धन्यवाद। चावला जी, पूरी दुनिया में आपका मिशन फैला हुआ है? बिल्कुल, पूरी दुनिया के अंदर ये निरंकारी मिशन फैला हुआ है और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से आज भी हिंदुस्तान की हर जगह पर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं आज वहाँ पर सब जगह सफाई अभियान चल रहा है और वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये आज से नहीं, पिछले लगभग 10 सालों से 23 फरवरी को सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के जन्मदिवस पर ये हर जगह पर मनाया जाता है। आज भी रोहिणी के इस अम्बेडकर हॉस्पिटल में सफाई अभियान चल रहा है और इसी तरह दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं सब जगह पर यह सफाई अभियान और वृक्षारोपण के कार्यक्रम आज चल रहे हैं। ये आपका सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित है या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो पूरी हर जगह संत निरंकारी मिशन फैला हुआ है और सब जगह आज के दिन ये सफाई अभियान, चाहे वो देश विदेशों की बात हो, उस विदेशों में भी आज सफाई अभियान चल रहे हैं। आज भारतवर्ष में भी हम देख रहे हैं कि हर जगह सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में और भी ऐसे कई स्थान, सार्वजनिक प्लेस जहाँ पर नित्य प्रति हम लोग आनंद मनाने जाते हैं, अच्छे पार्क हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, सब जगह पर सफाई की जा रही है ताकि जिस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे प्रदूषण अंदर हो या बाहर होता हानिकारक ही है, जितना हम सफाई करके रहेंगे उतना हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आप बाहर का भी प्रदूषण ठीक करते हैं और अंदर का भी? बिल्कुल जी। अंदर का कैसे करते? जो हमारे मनों में मटाव है, वैर है, नफरत है, ईर्ष्या, ये भी एक प्रदूषण है। जब तक ये भी मनों से दूर नहीं होगा तब तक प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा नहीं हो सकता। और सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना ही यही है कि प्रदूषण चाहे अंदर हो चाहे बाहर, दोनों ही हानिकारक है। जहाँ हम बाहर के प्रदूषण की सफाई कर रहे हैं सब वॉलंटियर्स, वहीं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का कहना जो है, अध्यात्म के जरिए हम मिलवर्तन के जरिए, प्यार के जरिए जो हमारे अंदर वैर नफरत भरा हुआ है उसको भी हमने निकाल देना है ताकि सब प्यार मोहब्बत से हम रह पाए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नानिंगार महाराज, दानंकार जी, महाराज जी आपका पूरा नाम क्या है? जगदीश मलिक। जगदीश मलिक जी, जगदीश मलिक जी, आप इस सेवा के बारे में और मिशन के बारे में कोई दो लाइनें? जैसे अभी आपने सुना
सारे हिंदुस्तान क्या बाहर के मुल्कों में भी ये सेवा जो आज चल रही है 23 फरवरी की, ये इसी तरह चल रही है और ये हर साल चलती है। सेवा जो होती है ये एक विशेष दिन रखने किया हुआ 23 फरवरी का। इस दिन सब जगह ऑल ओवर इंडिया बल्कि बाहर के मुल्कों में भी एक से एक महापुरुष उत्साह कर ये सेवा करते हैं ताकि गुरु का आशीर्वाद मिले और सब घरों में खुशियाँ हो, अमन हो, चैन हो, क्योंकि आज दुनिया में कल कलेश बहुत ज़्यादा है। कोई किसी की बात सुनने को राजी नहीं और ये महात्मा अपनी बात बताते हैं कि हमारे को बाबा जी ने ज्ञान दिया है और ज्ञान की वजह से हम सारे मानव से प्यार करते हैं। जितने भी धरा पर मानव है सारे हमारे अपने, वो अपनों से प्यार करना यही बाबा जी ने हमारे को सिखाया और वो काम हम करते चले जाते। धन्यवाद महाराज।